पंचकुला के पिंजौर में आज जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव शर्मा ने भी बताया कि यह मामला गटर के पानी में बिरयानी पकाकर बेचने का नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जमकर हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बिरयानी बेचने वाले शमा बिरयानी ढाबे के कर्मियों के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को इस दावे से लाखों लोगों तक शेयर किया जा रहा था कि पिंजौर में गटर के पानी से बिरयानी बनाने वाले एक होटल को पकड़ा गया है। मौके पर पहुंचकर इस वायरल वीडियो के दावे की जांच की तो जांच में पाया कि यह वायरल वीडियो फर्जी है। वायरल वीडियो 2 मिनट 6 सेकंड का है। वीडियो में कुछ लोग शमा बिरयानी ढाबे में मौजूद लोगों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अभद्रता कर रहे लोग पंजाबी भाषा में शमा बिरयानी ढाबे में काम करने वाले लोगों से गाली गलौज करते हुए भी सुने जा सकते हैं। इस मामले में एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों द्वारा ढाबे के कर्मचारी को लात मारने की घटना भी सामने आई है। आपको बता दें कि नूह हिंसा के बाद जहां प्रदेश अभी तक उस जख्म से उभर नहीं पाया, ऐसे में एक गलत वीडियो अफवाह के रूप में कुछ लोगों द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा पुलिस का साइबर क्राइम सेल इस बात से अनजान है। आपका नाम? सुभानली। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि जो आपका ढाबा है शमा बिरयानी ढाबा, यहाँ पर गटर के पानी से जो है बिरयानी बनाई जाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? ये फेक वीडियो बनाई गई है और हमारा जो है स्टॉक करने का बाहर एक गटर है, उसमें पानी यूज होता है, वो करते हैं यहाँ पर अंदर बर्तन जो धुलता है उसमें यूज होता है, वहाँ पर पानी पहुँचता है। हमारा ये टैंकर वाला है, उसको हम पैसे देते हैं, एक दिन छोड़ के भी आ जाता है। हम हफ्ते में 5 या 6 मरतब आता, उस दिन एमरजेंसी कोई उसका काम पड़ गया, वो आया नहीं, उसका पानी जो होता है सीवेज का पानी जो थोड़ा सा रोड पे निकाल लेते हैं मेरा वर्कर रोड, मगर उन्होंने बाहर का लोकल बंदों ने आन का हाथापाई की और उसी के साथ में आकर वीडियो बनाई और वीडियो बनाने में ये बोला और टैप में दिखाई भी दे रहा है उसका पानी रोड पे जा रहा है, मगर यहाँ पर बंदों ने जो है इसमें यह नाम लगा दिया है कि इसकी बिरयानी बना रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करते हैं पानी तो हम किसी चीज़ में पानी भरते हैं, बाल्टी में या किसी ड्रम में या कोई गोल्ड में किसी चीज़ में भरता हुआ दिखाई देते हैं। ये किसी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, बस सिर्फ उन्होंने एक झूठा इंजाम लगा दिया हमारे ऊपर। ठीक है जी, आप ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये ऐसे कोई वो नहीं है, ये सरासर झूठ है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए आपने पुलिस में भी कोई शिकायत दी थी इस मामले को लेकर? जी पुलिस में शिकायत दी थी हमने और पुलिस वालों ने एक्शन भी लिया था और हमारे कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है, उनके भी साइन हुए थे, साइन मेरे भी हुए थे। उसी दिन मैं घर से आया था 16 तारीख को दरोगा जी आए थे, वहाँ पर सब मैं चेक करके ले गए थे और मेरे सीसीटीवी कैमरे चेक करके गए थे, सारा कुछ यहाँ पे मीडिया वाले जा रहे हैं वो सब चेक करके लेके जा रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ पे जो आई थी जिन्होंने वीडियो बनाई थी, ये चंडीगढ़ से आए थे, कह रहे थे हम स्टार न्यूज से आए हैं और कुछ दैनिक जागरण से भी आए थे, बहुत सारे न्यूज वाले आ रहे हैं। जो लोकल लोग भी थे उनके साथ कुछ लोकल लड़के, उनका लोकल लड़के उनके साथ में ही थे, वो अलग में जाकर बातचीत करने लगते हैं। किसी संस्था से भी कोई आया था? जी यहाँ तो से यहाँ से तो बहुत आते हैं, से भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जी तो उन्होंने कोई पैसे वैसे भी मांगे थे क्या किसी तरीके के? यहाँ पे किसी ने पैसे मांगे नहीं थे, हमारा जो भाई थे तो जिस दिन 14 तारीख को रात को 10:30-11 के बीच में ये दुर्घटना हुई तो उनको हाथापाई की गई, वो 15-20 बंदे थे, उनके घबराने से उन्होंने पैसे की डिमांड रख दी कि जी मुझे मुझसे पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो, उनका हाथापाई भी किए, मेरा वर्करों के साथ में भी हाथापाई की, उनका हाथ में लाठी डंडे भी थे। क्या पहचानते आप उनको? जी मैं तो नहीं पहचान पाऊंगा, जो मेरा वर्कर लोग हैं वो पहचान पाएंगे, क्योंकि उस वक्त वारदात मौका पर मैं था नहीं, मैं इस वक्त जो यूपी में गया हुआ था। एक बात और बताएं, जिस तरीके से ये आपका जो किचन वेस्ट का जो है उसका पानी आप बाहर फेंक रहे हो, तो आसपास में बाकी दुकानों में भी यही समस्या है नीचे से पानी आने की? हाँ जी बाकी में जो है ये कुदरती पानी आ रहा है बेसमेंट में, तो ये पानी के पाइप के साथ में निकालते हैं मोटर के साथ में, और हमारी मोटर जो होती है इसी गड्ढे के लिए करी गई है, एक हमारी कवाड़ी में मोटर ले ली थी हमने चलते हुए, कभी अभी इमरजेंसी हमारे पड़ोसी को भी दिक्कत होती है तो हम उसके यूज करने के लिए भी दे देते हैं। बाकी लोग भी सड़क पर निकालते हैं? हाँ बाकी लोग भी सड़क पर जाते हैं निकालते हैं पानी, वो 15-20 दिन से पानी चल रहा है यहाँ। सर आज यहाँ पिंजौर में जिस तरह से शमी बिरयानी ढाबे पे आपके 2 टीम पहुंची है, क्या कुछ पूरा मामला इस बारे में? ये एक वीडियो वायरल हुई दिखाया गया कि पानी गटर का पानी यूज़ हो रहा है बिरयानी बनाने में, बट हमारी टीम ने यहाँ आके चेक करा है वो ऐसा कुछ नहीं है कि गटर का पानी यूज़ किया गया है,
वो एक सीवरेज जो यहाँ पे स्टोर होता है वेस्ट वाटर, उसके पाइप लगा के वो पानी सड़क की तरफ निकाल रहे, तो सीवरेज का पानी और वो ओपन था, तो यहाँ पे जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो पुलिस वाले ज़्यादा बता पाएंगे उस बारे में, बट हमने आके चेक किया है तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा है। और 3 सैंपल हमने लिए हैं इसके, इनके चिकन कीमा, चिकन बिरयानी और रॉ चिकन, कच्चा चिकन। तो इसमें से सैंपल अभी कहाँ भेज रहे हैं, किस तरह की आगे की प्रक्रिया रहेगी? ये आगे हम भेजेंगे इसको करनाल लैब में, ये आज सील हो चुके हैं और इनको कल ही हम रवाना कर देंगे और 15 दिन के अंदर अंदर इनका रिजल्ट आएगा। जिस तरह से जब सैंपलिंग की जाती है फूड विभाग द्वारा, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो क्या कानूनन प्रावधान है ऐसे मामलों के लिए? वो डिपेंड होता है कि किस तरह का सैंपल फेल आता है, एक मिस ब्रांड होता है, एक सबस्टैंडर्ड होता है, एक अनसेफ होता है, तो इनमें तीनों में केस लॉन्च होते हैं। और दूसरा इनका ये था कि कोर्ट में जो लाइसेंस था इनका, फूड लाइसेंस इनका है इनके पास, बट इन्होंने जगह चेंज कर दी है, तो लाइसेंस पुरानी जगह पर, तो वो वैलिड नहीं है लाइसेंस, तो उसका केस हम लॉन्च करेंगे ही करेंगे, वो तो हम आज कर देंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।